राधे राधे दोस्तों, राधा रानी के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस टाइम हम उस स्थान पे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सखियों की सिर हरण की है, तो वो जगह आप देख सकते हैं 5000 साल पुरानी। दोस्तों, जहाँ तक हमने आपको बताया कि आज हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के केसी घाट, तो दोस्तों ये वही पेड़ है 5000 साल पुराना जो भागवत पे आधारित है। इसी पेड़ के शाखाओं पे बैठकर, इसी पेड़ के डालियों पे बैठकर भगवान कृष्ण गोपीय संग लीला करते थे। इसी डालियों पे बैठकर भगवान कृष्ण गोपीय कृष्ण चीर हरण करते थे, उनके कपड़े चुराते थे। इसी डालियों पे बैठकर भगवान कृष्ण बंसी भी बजाते थे। आज हम आपको इसी पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक इसी के सामने आज भी बह रही है यमुना नदी, और इस पेड़ को हम पास से दिखाएंगे, इसके डालियों को हम पास से दिखाएंगे। आप देख सकते हो इसी पे बैठकर भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, चीर हरण करते थे। तो हम इसे छू कर स्पर्श करके उसका अनुभव लिए हैं। अगर आप इसमें कान लगाकर सुनोगे तो आज भी इस पेड़ के अंदर से राधे राधे की आवाज़ आती है। आप देख सकते हो सामने यमुना नदी, और ठीक इसी चीर घाट के सामने है वो पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है, और ये अपने आप में एक विशाल और महान पेड़ है। भगवान कृष्ण के युग में ये पेड़ भगवान से स्वयं बातें किया करती थी, और आज ये हमारे सामने आज भी साक्षी बनकर खड़ी हुई है। तो इसी पेड़ को साक्षी मानकर आज भी लोग यहाँ पे कपड़े बांध कर जाते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस पेड़ को आप देख सकते हो जो कि चीर घाट के यमुना नदी के ठीक सामने ही आज भी उसी हालत में है। माना कि इसके पत्ते झड़ गए हैं क्योंकि इसका उम्र भी 5000 साल पुराना है, और यही वो पेड़ है जो भगवान श्री कृष्ण की साक्षी है, क्योंकि हमने तो भगवान की तो राधा जी का नाम लीजिए, और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत टाइम बाद यहाँ हम आए हैं और इस घाट को इस पेड़ को दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, राधा जी से अगर प्यार करते हैं तो राधा जी से अगर प्रेम है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण, राधा रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। क्योंकि हमने तो भगवान को नहीं देखा, पर ये वो पेड़ है जिन्होंने भगवान को देखा है, और इन्हीं के आशीर्वाद लेकर हम भगवान को अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, अब हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना वृंदावन की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।